मैं सिमन धालीवाल। बीते समय दे विच पटियाला च एक कबड्डी खिडारी का कतल किया गया सी। इस मामले दे विच कबड्डी खिडारी दे कातल नूं पुलिस दे वल्लों गिरफ्तार किया गया। जी हाँ, पटियाला पुलिस नूं एक वड्डी कामयाबी मिली है। इस गैंगस्टर नूं हथियारां समेत गिरफ्तार किया गया। तुहानूं दस दिंदे हां कि पटियाला पुलिस नूं एक वड्डी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक गैंगस्टर नूं दो पिस्तौलां समेत काबू किया है। कबड्डी खिडारी दे कतल दे मामले दे विच इस गैंगस्टर नूं पुलिस लभ रही सी। पटियाला यूनिवर्सिटी दे विच लॉरेंस बिश्नोई दे ग्रुप दे पोस्टर भी लगे हुए हैं। अगली कार्रवाई भी की जा रही है। तुहानूं दस दिंदे हां कि इस गैंगस्टर का नाम साहिल उर्फ काला दस्या जा रहा है। वह अर्बन स्टेट पटियाला का रहने वाला है, जिस पासों CIA पटियाला पुलिस ने 32 बोर के दो पिस्तौल 10 कारतूस और I-20 गड्डी बरामद की है। तो दस दिन कि 6 अप्रैल टी पॉइंट लचकानी बस स्टैंड पासो को नाकाबंदी दौरान काबू किया गया सी ये गैंगस्टर। तो दस दिन कि इस बारे SSP वरुण शर्मा ने भी दसिया कि साहिल पंजाब हरियाणा दे विच अपराधिक घटनावां दे नाल संबंधित सी। 4 केस उस उत्ते चल रहे हैं। एक कबड्डी खिडारी तरमिंदर सिंह दे कतल दा भी इल्जाम उस गैंगस्टर दे उत्ते है। पंजाबी यूनिवर्सिटी दे सामने 2022 दे विच तरमिंदर सिंह दा कतल किया गया सी, जिसका कोई सुराग नहीं मिलिया, पर दावा किया गया सी कि इसते लॉरेंस बिश्नोई गैंग दे नाल संबंध हैं। इस गैंगस्टर दे वल्लों इस कबड्डी खिडारी का कतल किया गया सी। इसकी जांच भी की गई तो अज पुलिस नूं एक वड्डी कामयाबी मिली है। इस गैंगस्टर नूं गिरफ्तार भी कर लिया गया। आओ तुहानूं सुनाउने आ कि SSP वरुण शर्मा का इस बारे होर की कहना। मानयोग DGP पंजाब अते IGP पटियाला रेंज के दिशा निर्देश हेठ पटियाला पुलिस ने पिछले काफ़ी समय तो एक विशेष मुहिम समाज विरोधी क्रिमिनल अंकों के खिलाफ चलाई हुई है। उस मुहिम से सानू बहुत वड्डी कामयाबी उदों मिली जदों तुहानूं याद होना कि कुछ समय पहला पंजाबी यूनिवर्सिटी, अज तो कई महीने पहला पंजाबी यूनिवर्सिटी च भिंडा मर्डर केस होया सी। बड़ा सेंसेशनल मर्डर केस सी। दो गुटां की लड़ाई च ताबड़तोड़ फायरिंग करके भिंडा नाम का जिहड़ा कबड्डी प्लेयर सी, काफ़ी मतलब हट्टा कट्टा नौजवान सी, उहदी बड़ी बेरहमी नाल कतल कर दिता गया सी। उहदा जिहड़ा मेन दोषी जिहड़ा सीगा साहिल, असीं गिरफ्तार कीता। साहिल जिहड़ा आ इह अर्बन एस्टेट दे क्वार्टरां दा रहण वाला है। इहदे ते पहलां भी लड़ाई झगड़े दे, कुटमार दे, आर्म्स एक्ट दे, इरादा कतल दे अते कतल दे कई मुकदमे दर्ज ने। साडा क्योंकि कोई भी क्राइम साडा अनट्रेस ना रहे ते जिहड़ी भी गिरफ्तारियां पेंडिंग हैगियां ने ओह साडियां मुकम्मल होण, इस करके इंचार्ज CIA पटियाला DSPD ते SPD पटियाला दी टीम जिहड़ी आ लगातार क्रिमिनल दे पिछे पई रहिंदी। साहिल नाम दे दोषी तों असीं दो जिहड़े सोफिस्टिकेटेड पिस्टल ने ओह भी बरामद कीते, एक I-20 गड्डी भी बरामद कीती है। ते जिहड़ी किसे अगली वारदात नूं इन्हें अंजाम देना सी वह वारदात भी असी प्रिवेंट की है। बेसिकली क्योंकि जदों भी कोई मर्डर केस हुंदा आ ते उहदी गवाहियां च अगे सजा या बरी हुंदा आ बंदा, ते उहदी गवाहियां नूं इनफ्लुएंस करन लई ते किसे ना किसे उसे एंटी ग्रुप दे बंदे नूं आपदा टारगेट बनाने लई साहिल ने जिहड़ियां ने दो पिस्तौलां प्रोक्योर कीतियां सी ते किसे ना किसे वड्डी वारदात नूं पटियाले च अंजाम देना चाहुंदा सी। असी इन्हू अरैसट किया, दो पिस्टल की रिकवरी इहदे तों होई है। अगे भी इहदे तों पुछगिछ करांगे। थोड़ा जिहा मैं भिंडा मर्डर केस का बैकग्राउंड भी दस दिंदा। जिहड़े साहिल होनी ने इन्हां ने सोपू जिहड़ी लॉरेंस बिश्नोई की ऑर्गेनाइजेशन हैगी है, SOPU सोपू जिहनूं कहिंदे है, उहदे पोस्टर उस मर्डर तों पहलां पंजाबी यूनिवर्सिटी च लाए सी। ते पोस्टर पाड़न पिछे दो धिरां की लड़ाई होई सी जिहदे च भिंडे नूं गोलियां मार के कतल किया गया। बड़ा सेंसेशनल केस सी, उहदे च भगोड़ा सीगा, होर भी कई मुकदमे इहदे ते दर्ज ने। ते मैं इंश्योर करदा कि पटियाला पुलिस लगातार इसे सरगर्मी नाल समाज विरोधी अते क्रिमिनल अंतर जिहड़े आ उहनां खिलाफ़ अपनी मुहिम जारी रखूगी। इन्हां दो पिस्तौलों के नाल ही मैं दसना चाहवांगा कि पिछले 4 महीनों च अराउंड 48 पिस्तौल जिहड़े आ पटियाला पुलिस ने बरामद किए। तो असीं होर भी मतलब इस नूं अगे वेखांगे, इंटरोगेट करांगे, इन्वेस्टिगेट करांगे कि पटियाला सेंट्रल जेल अते पंजाब दी होर जेलां च अंदर जिहड़े गैंगस्टर बैठे आ वह अपने इशारियां ते इस साहिल नाम दे बंदे तों किहड़ा क्राइम कराउणा चाहुंदे सी। असीं होर बंदे प्रोडक्शन वारंट ते भी लैके आवांगे ते असीं इंश्योर करांगे कि मतलब जिहड़ा
ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਆ ਇਹ ਇਸੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਚਲਾਈ। ਉਸ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਉਸੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਕਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਿੰਦਾ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ I-20 ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਣ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਟੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਅਚਨਚੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕਈ ਮਤਲਬ ਮੋਬਾਈਲ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ। ਇਹਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੀ ਡੂੰਘੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਨ ਮਾਸਟਰ ਮਾਇੰਡ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਰੈਸਟਿਡ ਸੀਗੇ, 8 ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਗੌੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਨ ਮਾਸਟਰ ਮਾਇੰਡ ਹੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿਸਤੌਲ, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਥਾਣੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।